हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भारतीय क्रिएटिव आइडियाज़। दोस्तों, ये है कोकोपीट। कोकोपीट जो है कैसे बनता है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो 80% लोग जानते हैं कि कैसे बनता है, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए है, तो देखते रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम एक पेपर बिछा लेंगे, उसके बाद नारियल के जो इस तरह के छिलके होते हैं इनसे बनता है कोकोपीट। तो इसको आप ऐसे छिलते जाइए, छोटे छोटे बारीक। इसे आप छोटे छोटे कटिंग करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फंसता ज़्यादा है, इसलिए हाथ से करना ज़्यादा अच्छा है। एक दो गमले में लगाना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मात्रा में लेना, ज़्यादा गमले में आपको लगाना है पौधा, तो फिर आप मार्केट से खरीद लीजिए, या आपके घर के आसपास में नर्सरी है तो वहाँ से भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यदि आपके आसपास नर्सरी नहीं है या कोकोपीट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। नारियल ले आए, नारियल का भी यूज़ हो गया, उसके छिलके का भी यूज़ हो गया। इस तरह से आप छोटे छोटे छिलके को करके इसको ऐसे रब करेंगे, इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है कोकोपीट अपना तैयार हो गया। इस तरीके से होता है कोकोपीट। अब इसे खाद मिट्टी जो भी मिलाना है आप मिला करके अपना पौधा रोपण करिए, गमले में यूज करिए। इस पेपर को कोकोपीट को इस तरह से हम ऐसे निकाल के स्टोर कर लेंगे। उसके बाद आप जितना भी गमला में लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों कोकोपीट। इसे यूज़ करने के कुछ घंटे पहले इसे पानी में भिगो कर रखना है ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए।